सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल चैनल महालक्ष्मी को आज बड़ी अंदर की बात देंगे। ज्येष्ठ कृष्ण नवमी के दिन घड़ी 8 बजा रही है और आज की शुरुआत हो रही है साधक जी। जब भी किसी से मिलो प्यार से जरूर जय जिनेन्द्र जरूर कह दीजिए, पहचान रहेगी हाँ भाई जैन भाई ने कहा है। हाँ, बात कर रहे हैं आज हम इन चित्रों के साथ। दिल्ली के अंदर पिछले एक सदी में 100 साल से भी ज़्यादा में सबसे बड़ा संघ अगर कोई आया है तो आज वर्तमान में जो आया है आचार्य श्री सुनील सागर जी, आचार्य आदि सागर अंग्रेजी के चतुर्थ पट्टाचार्य, 60 पिच्छी के साथ। वैसे आज कहूँ तो वो विराजमान है दिल्ली के जागृति एनक्लेव में, जहाँ अभी तक का सबसे बड़ा प्रवास उनका हो रहा है ग्रीष्मकालीन वाचना के लिए। धवला का 14वां ग्रंथ चल रहा है यहाँ पर, 10वें ग्रंथ की उन्होंने गिरनार में की थी जब चैनल मार्च की टीम वहाँ गई भी थी। इनकी खास बात, इनके अलावा 10 और उपसंघ में इस समय महाराष्ट्र और गुजरात में, यानी दिल्ली का सबसे बड़ा संघ आज तक जो रहा है वह आचार्य श्री सुनील सागर। आज कुछ खास बात करनी है इनके बारे में, बहुत कुछ, क्योंकि दिल्ली बड़ी औद्योगिक नगरी है, क्या क्या होता है आज उसकी बात करेंगे। आप कितनी भाषा बोल लेते हैं? 2, 3, 4 है ना। अगर गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में देखा था हमने 1998 में फजा ज़ियाद ब्राज़ील के हैं, वे 58 भाषाएं बोलने का सामर्थ्य है, कहते हैं सर्टिफिकेट है उनके पास। लेकिन गजब की बात है वो कौन कौन सी भाषाएं बोल लेते हैं इसका कोई हिसाब नहीं है, कैसे कैसे रिकॉर्ड बन जाते हैं। पर अगर कहें संतों में सबसे ज़्यादा भाषाएं बोलने वाले कौन हैं, शायद आप नहीं जान पाएंगे। आचार्य श्री भी 8-9 भाषाएं एकदम धारा प्रवाह बोलते हैं। और आज हम जो हम दिखा रहे हैं चित्र आप देख रहे हैं, आचार्य श्री सुनील सागर मात्र 47 वर्ष की उम्र है अभी और 14 भाषाएं फर्राटा बोलते हैं, एकदम धारा प्रवाह से, गजब की बात। अगर पहले प्राचीन माने ब्राह्मी लिखी प्राकृत संस्कृत जो आजकल हम भूलते जा रहे हैं, हिंदी अंग्रेजी कन्नड़ मलयालम तमिल तेलुगु गुजराती बुंदेलखंडी आदि 14 भाषाओं का उनको परफेक्ट, जो वहाँ का आता है उसी भाषा में चर्चा शुरू हो जाती है। ऐसी खास बात इन 14 भाषाओं का सबसे ज़्यादा भाषाओं ज्ञान करने वाले आचार्य श्री सुनील सागर जी आजकल दिल्ली में हैं। एक बार दर्शन करके देखना, हैरान हो जाएंगे। दिल्ली जैसी मॉडर्न सिटी, अत्याधुनिक शहर, पाश्चात्य सभ्यता के पीछे भागने वाला शहर, जहाँ हर कोई अपनी दौड़ लगा रहा है मुंबई की तरह, जहाँ आज वास्तव में 250 से ज़्यादा जैन मंदिर है, ऐसा कोई शहर आज पूरे देश में नहीं है। तब भी इसे धर्म नगरी के बारे में बहुत पीछे रह जाता है। कुछ वर्ष पहले यहीं पर कहते हैं 28 मूल गुण के साथ चर्या निभाने वाले, मूल आचार को अंतर उतारने वाले, उस अनुसार आने वाले विरले संती होते हैं। आज की तारीख में पश्चिम काल का यह दुर्भाग्य है, पंचम काल के साथ बदलाव होता जाता है। कुछ समय पहले आए थे आचार्य श्री विद्यासागर जी, महामुनिराज के शिष्य मुनि श्री प्रणमय सागर चंद्र, उन्होंने पता है बहुत कड़वे शब्दों में दिल्ली को कहा था, दोबारा नहीं रहे शब्द हम, लेकिन अब ऐसे ही दिल्ली के अंदर 60 संघ पिच्छी के साथ आचार्य सुनीला जी कैसे निभाएंगे चर्या। कहते हैं जंगल वाले बाबा, फक्कड़ वाले बाबा, सचमुच आज अगर उन्हें आप देख लोगे तो आप कहोगे चलते फिरते ये 8वां वंडर है विश्व का। विश्वास कीजिए आज जो आपको दिखा रहे हैं एक एक चीज अनोखी बात बता रहे हैं, कभी आकर देखो, अरे सुन लीजिए, आचरण देख लीजिए, चर्या देख लीजिए। हर कुछ सुबह 3 बजे उठने वाले और रात को 3-4 घंटे का विश्राम करने वाले आज उनके कमरे में झांककर देखेंगे और जगह देखेंगे कि उनके संघ वाले कैसे बदल गए दिल्ली में आके, क्या क्या करते हैं। आज कैमरा चैनल महालक्ष्मी का वहीं घूमेगा। ये सभी चित्र जो आप देख रहे हैं पिछले 24 घंटे में चैनल महालक्ष्मी द्वारा चुपचाप खींचे गए हैं। जी हाँ, मुनि संघ आरिका संघ कहाँ किस पर कैसे बैठता है, चटाई पर या आप कुछ लाते हैं उस पर, देख रहे हैं आप, यही वह सपाट जगह है जहाँ पर बैठकर स्वाध्याय है, ध्यान विश्राम स्थान सब कुछ। जी हाँ, यही है सब कुछ, इसी फर्श पर बैठता है, कुछ नहीं लेता, यही उनकी चर्या है। आप विश्वास कीजिए, नहीं विश्वास कर पाते हैं तो कुछ दिखा देते हैं दूसरे चित्रों से। सुबह स्वाध्याय, दोपहर को धवला ग्रंथ की वाचना, 14वीं पुस्तक की देख रहे हैं आप चित्रों के अंदर, देख लीजिएगा फर्श पर किस तरह बैठ कर समाज ने दी चटाई, दिए पाटे, दिए
पलाई के वो नहीं, कुछ नहीं चाहिए, सब उठा के साइड में कर दिया गए, हमें सिर्फ फर्श चाहिए जिस पर हम बैठ सकते हैं। देखिए यह गधे की चर्या, शायद आपने आज तक ऐसी चर्या इस संघ के अलावा कहीं नहीं इस तरह की देखी होगी। जब ये आगे बढ़ते हैं तो अब चलते हैं सबसे पहले संघ के नायक आचार्य श्री सुनील सागर जी के कक्ष में। विश्वास कीजिए, दो बार इससे पहले कोशिश की, आचार्य श्री ने साफ मना कर दिया, उनके संघ ने कोई ज़रूरत नहीं है इस तरह की फ़ोटो खींचने की। चुपचाप जब कब निकाला मौका, जब आचार्य श्री नीचे कल्याण मंदिर स्त्रोत की वासना के लिए गए, बस आपने देखा ताओ घुस गए कमरों में और देखिए धीरे धीरे चित्र खींचे। आचार्य श्री का कमरा देख रहे हैं आप, क्या क्या मिल रहा है सब कुछ गिन लीजिएगा, हम सब गिन के बताते हैं आपको। एक प्लाई का स्वीट मिल रहा है 8x4 ढाई, दो सूत वाली प्लाई। एक तखत पड़ा है 6x3 का। एक बुक शेल्फ पड़ा है जिस पर 8 ग्रंथ रखे थे और उसमें 2 कॉपियां और एक पेन रखा था। कोने में बाई तरफ ईशान कोण में एक रंगोली बनी हुई है, यह थी। साथ में 4 दीवारों में से एक दीवार पर यह घड़ी लगाई चैनल महालक्ष्मी ने, जो आप देख रहे हैं वो भी 2 दिन पहले। पता क्यों लगानी पड़ी, उन्होंने साफ मना कर दिया, कहते कोई ज़रूरत नहीं मुझे इसकी, मेरे पास समय मेरा अपने और चलता है। लेकिन हमें तकलीफ़ हो रही थी, अरे प्रवचन में देर हो जाती थी, शाम को आरती में देर, आचार्य श्री ध्यान में लीन। घड़ी इसलिए लगाई कि समाज वाले याद कर सके, महाराज जी कुछ समय हमें भी इसके अंदर चाहिए। और एक दीवार पर लग रही है सपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर जी की तस्वीर, जो एक बालिका ने अभी हाथ से बनाकर उनको चरणों में समर्पित की थी, वह उनके कक्ष में लग गई। बस यही है कमरा, सजावट के साथ सब कुछ के साथ एक आचार्य का 60 संग की पिछी वाला कमरा, जो आपने 2 बार के दृश्यों में देखा किस तरह। बस यही कुछ है, विश्राम करते हैं, रात को 11:30 पर आते हैं, 12 आते हैं और 3 बजे उठकर फिर समाई ध्यान में लग जाते हैं इस 3 सूत की 2 सूत की प्लाई पर। बस यह विश्राम, बाकी कुछ नहीं होता, यह है चर्या का एक भाग। आचार्य श्री के बाद मुनियों के कक्षों को देखते हैं, देख रहे हैं आप, इसमें एक चौकी रखी है, सामान दी साइड में रख दी, आपकी इच्छा आप रख दीजिए। प्लाई दी जो कहा यहाँ पर, तो उन्होंने साफ कह दिया हमें प्लाई नहीं, हमें गत्ते चाहिए। गिरनार में चैनल महालक्ष्मी देख चुका था, सर्दी ठिठुरते के अंदर भी गत्तों पर रहते थे, तो यहाँ पर उनसे यह कहना पड़ा, महाराज जी यहाँ गत्ते नहीं मिलते हैं, प्लाई समाज की यहाँ पड़ी है मंदिर में, आपके बैठने से यह उपयोग हो जाएगा, धन्य हो जाएगा और हमारे लिए आगे यह एक प्रकार से पुण्य का अर्जन करने के काम आएगा। तब जाके यह प्लाई यहाँ समाज ने बिछाई। अब चलते हैं आरिकाओं के कक्ष की ओर। मुनि रहते हैं स्कूल बिल्डिंग के अंदर और आरिकाएं, एक सज्जन ने यहाँ पर अपना फ्लैट खाली कर दिया, पूरा सुविधा युक्त फ्लैट है जिसको उन्होंने खाली कर दिया और उसमें देखते हैं आरिकाएं इस भोग विलास की नगरी में कैसे रह रही हैं, हमें कहने की ज़रूरत नहीं है। देख रहे हैं आप, नहीं चाहिए कुछ आपका, सब कुछ साइड में रख दिया जाता है और इस तरीके से ज़मीन पर ही विश्राम ध्यान सब कुछ होता है। ये रात के लिए है, क्षमा करिएगा, हम चाहेंगे इस तरह की फ़ोटो नहीं लेनी चाहिए, पर चर्या दिखाने के लिए दांतों तले उंगली आपकी भी दब जाएगी जब यहाँ देखेंगे आप। हाँ, वहाँ हमने चोरी से कहा था कि गत्ते नहीं मिलते हैं, पर यहाँ पर माताएं, उन्होंने अपने किसी सज्जन को कहा, किसी भक्त ने, तो वह गत्ते ला कर दे दिया और गत्तों से क्या हुआ अब आगे देखते हैं। आरिका माताओं को गत्ते दिए और पता है किस लिए मिले उन्हें, क्या देखा उन्होंने, आज तक आपने, आज तक के इतिहास में ऐसा नहीं देखा हुआ जो ये चित्र देख रहे हैं आप, सचमुच आपकी आंखें गीली हो जाएंगी, भीग जाएंगी। अरे उन गत्तों से उन्होंने अपनी चौकी बनाई है, उन्होंने समाजदारी चौकी को नहीं लिया इस्तेमाल, मना कर दिया और कहा हमें तो सिर्फ यही चाहिए, हम जंगल की चर्या करते हैं, आज तुम्हारे भोग विलास में बैठकर हम अपनी चर्या को, मूल आचार को भूलना नहीं चाहते। किस तरीके से देखे आपने, गत्ते को बना दी है चौकी, पता नहीं 4 अगर ग्रंथ रख दें तो वह गिर जाएं। यह है चर्या, वास्तव में जंगल की चर्या। हाँ, इसमें आप बैग भी देख रहे हैं, जरा एक बार इस बैग की झलक भी देखते हैं। एक माताजी से बैग लिया जबरन, उन्होंने कहा नहीं नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, माताजी उसमें शास्त्र निकाल रही थी, जैसे ही आखिर चला हमने बैग लिया माताजी, और बैग देखकर सचमुच आपकी आँखें पसीज जाएंगी, भीग जाएंगी। देखिए
आदि सागर जी आचार्य श्री के नाम से बैग मुंबई से शायद 10-12 साल पहले का होगा, आज भी यही है। 3 जेबें थी इसमें और शायद अब तक इसकी 6 जेबें बन चुकी हैं। 6 जेबें किस तरह, 3 तो आर पार हैं, फट चुका है और शायद फटा हुआ नहीं है, यह 50 बार सिले जा चुका है। माता जी से कहा, माता जी इसको बदल देते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई नहीं बदलेगा, जब तक नीचे की तली एक बाकी है बैग यही रहेगा। यह बैग लेकर हमने जानबूझ के लिया कि माता जी एक बार हमें सौभाग्य मिल जाए सिले देते हैं। ऐसे बैग हैं उनके पास, ये बैग जो आपने कभी ऐसी हालत में ऐसा बैग कभी देखे नहीं होंगे जिसमें हमारी आरिकाएँ अपने ग्रंथ रखती हैं। यह चर्या देखकर, यह परिग्रह देखकर सचमुच आंखें एकदम नम हो जाती हैं। अरे ऐसे संत अगर दिल्ली में आ गए और उसके बाद दिल्ली में उन्होंने आश्चर्य नहीं हो, ये वास्तव में वो चलते फिलते आश्चर्य हैं जो समाज ने आज तक दिल्ली ने कभी देखे ही नहीं। और अब आचार्य श्री यहाँ पर ग्रीष्मकालीन वासना कर रहे हैं 7 मई से। उन्होंने साफ कह दिया, तुम्हारी ईंट सीमेंट वाली दीवारों के बीच में ध्यान में ध्यान समाहित नहीं कर पाता हूँ, मुझे तो जंगल वाला स्थान चाहिए। तुमने हमें गिरनार में भी देखा है, अहमदाबाद में भी देखा है, कई जगह देख चुके हो, अरे हमें तो। और फिर यह जो देख रहे हैं आप पेड़ के नीचे समाहित और ध्यान, कहते हैं इससे बढ़िया स्थान तुम्हारे पास नहीं है। यह होती है गजब की चर्या। तभी तो कहते हैं आपने अगर दुनिया का चलता फिरता महानतम आश्चर्य देखना है तो एक बार 60 संतों की यह चर्या देख लेना, भूल जाएंगे आप कि आपने वास्तव में मूलाचार में चौथे काल में चर्या के लिए पंचम काल के लिए लिखा किया था। और अब दिल्ली वालों से, एनसीआर वालों से, आड़स पड़ोस वालों से, अगर चलता फिरता आश्चर्य देख रहे हो तो दिल्ली में जागृति एनक्लेव में एक बार आ जाना। अरे सुबह 3 बजे आकर देख लेना कैसे सामयिक ध्यान में होते हैं, 5 बजे देखना अरहम योग ध्यान कैसे होता है, 6 बजे देखना स्वाध्याय कैसे होता है, 7 बजे कल्याण मंदिर स्तोत्र की वासना कैसे होती है, 9 बजे प्रवचन कैसे होता है, 10 बजे आर की मुद्रा के बाद चर्या कैसे होती है, 12 बजे सामयिक में मौन के साथ कैसे जाते हैं, 2:30 बजे वासना शुरू होती है धवला की चौथा पुस्तक की, वह कैसे होती है शुद्ध वस्त्रों से बगैर मोबाइल लाइव वाइफ के अलावा, फिर आरती और चर्चाएं और स्वाध्याय और ध्यान, आपके लिए नमोस्तु के अलावा शायद कोई टाइम नहीं मिल पाएगा। एक बार आकर 24 मई शुद्ध पंचमी का पावन अवसर, इस चतुर्थ पट्टाचार्य तृतीय द्वितीय पहले पट्टाचार्य से पहले आचार्य आदि सागर अंकलीकर जी का आचार्य पद, षठ खंडारम की जिस दिन महापाचना शुरुआत हुई थी, ग्रंथ की हुई थी, उस दिन बहुत विशाल कार्यक्रम रखा गया है। आप सबको हाथ जोड़कर कह रहे आकर देख लेना, एक बार भाग्य बदलेगा तो बदलते बदलते पता नहीं चलेगा कहां से कहां बन जाओ, मुकद्दर के सिकंदर बन सकते हैं। एक बार आप आकर तो देख लें, एक बार कह रहे हैं बार बार आप आएंगे ये हम जानते हैं। सुबह शुद्ध संवर्धन विधान तथा आदि सागर जी का विधान होगा, मात्र 8:30, 6 बजे पहले जहाँ शुद्धि के लिए जाते हैं नित्यक्रम के लिए, वहाँ से चलेगी रथ यात्रा मर जिनवाणी, और फिर 7 बजे अभिषेक के साथ क्रियाएँ सब कुछ होंगी 6 बजे के बाद। बाद में दोपहर को 2 से 5 का विशाल कार्यक्रम है जिसके अंदर नंदनी और कमलनी दोनों जुड़ बहने हैं जिन्हें पद्मश्री मिला है, जो इस समय G20 में अपना कार्यक्रम देती हैं, संगीत नाटक अध्यक्ष कईयों के निर्धारित हैं, उनकी यह परफॉर्मेंस देखेंगे आप। पद्म पहली बार उनका आपको जो प्रधानमंत्री करती हैं नृत्य का, वह दिखाएंगी, बच्चे दिखाएंगे और साथ में छोटे छोटे बच्चों को आमंत्रण है कि वह आए, और साथ में ऐसा मंत्र कलम से मिलेगा आपको लिखने कर आपको कि जिससे कहते हैं आपके ज्ञान की शैवशम के लिए जो सौभाग्य बनेगा, कमजोर दिमाग अपने आप भूतो न भविष्यति, और जो विश्वास मिलेगा वह अब देखकर हैरान हो जाएंगे। साथ ही महिलाओं के लिए जिनवाणी सजाओ प्रतियोगिता, कहीं आप रहते हैं अपने मंदिर से जिनवाणी लीजिए, खूब सजाइए, यहाँ लाइए और जज आप देंगे, सबको प्रमाण पत्र पुरस्कार मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात, चतुर्मास की घोषणा होनी है, श्रीफल चढ़ाने का सौभाग्य इससे बेहतरीन दिन नहीं होता। बहुत लोग चाहते हैं, अरे आप आइए और एक बार समर्पित कीजिए अपने भावों को, जिसकी लॉटरी निकलेगी उसका कहते हैं सौभाग्य बम्पर पुरस्कार में बदलेगा। आपको सबको स्वागत है, आमंत्रण है, फिर मिलेंगे जागृति एनक्लेव में 24 मई को शुद्ध पंचमी के दिन। सादर जय जिनेंद्र।